वेलकम बैक। कराची से आपको अहम खबर दें। बल्दियाती इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तकर्री के सिलसिले में एमकेएम और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से एमकेएम के 8 रुकनी वफद की मुलाकात जारी है, जिसमें बल्दियाती इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तकर्र पर गौर किया जा रहा है। वफद में कंवर नवीद जमील, सैयद अमीन उल हक, फैसल सवसवारी, मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा इजहार, जावेद हनीफ और हामिद नजर शामिल है। मजीद जानने के लिए हमने राबता किया अपने नुमाइंदे अब्दुल हफीज बलोच से। हफीज बलोच, आगाह कीजिएगा। हफीज बलोच, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो आगाह कीजिएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से एमकेएम के 8 रुकनी वफद की मुलाकात जारी है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, वजीर हाउस में एमकेएम रहनुमाओं की मुलाकात इस वक्त जारी है। इसमें कन्वेनर मुतहरा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के नवीद जमील, सैयद अमीन उल हक, फैसल सवसवारी, मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा इजहारुल हसन समेत दीगर रहनुमा शामिल हैं। ज़राए का कहना है कि इस मुलाकात में जो वजीर हाउस में इस वक्त जारी है एमकेएम पीपल्स पार्टी मुलाकात में बलियाती इलेक्शन और बलियाती एडमिनिस्ट्रेटर्स के तकरों पर भी गौर होगा। एमकेएम की सिफारिश पर 3 डीएमसी कराची की जो 3 डीएमसी हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स की तकरूरी का भी मामला जेर गौर आएगा। गुज़िश्ता दिनों वो एमकेएम के रहनुमाओं ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में सजा की गई थी कि जो आलिया वफाक की हुकूमत में पेशरफ होने के बाद जो मायदा हुआ था एमकेएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान उस मायदे पर। बहुत शुक्रिया हाफिज बलोच तफसीली अपडेट करने के लिए।